आज की क्लास से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हरियाणा सहायक आचार्य 2024 हिंदी साहित्य की प्रैक्टिस सीरीज को। जैसा कि हमने आपको जब हिंदी साहित्य का सिलेबस डिस्कस कराया था HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो हमने आपको कहा था कि जो हमारी पहली क्लास होगी वो क्या है, सिलेबस की है। इसके बाद हमारी जो भी क्लासें आएंगी वो क्या है, प्रैक्टिस के तौर पर देखने को मिलेंगे। तो हमने आपको ये बताया था कि आपको क्या है, यूनिट वाइज क्या है, आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो आज हमने कौन सी यूनिट उठाई है, तो आज देखिए हमने काव्य शास्त्र को उठाया है। तो काव्य शास्त्र में क्या है, आपके जो रस संप्रदाय है, काव्य शास्त्र में जो आपका रस संप्रदाय है, उस संप्रदाय से क्या है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको रेगुलर एक वीडियो मिलेगी जिसमें क्या है आपको 15 क्वेश्चन डेली हल कराए जाएंगे, ठीक है। देखिए बात करें कि सिलेबस की, तो देखिए सिलेबस सबको पता है, जो आपका UGC नेट में सिलेबस लगा हुआ है वही आपके क्या है हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में भी क्या है हिंदी साहित्य से वही सिलेबस देखने को मिलता है, ठीक है। कंटेंट आपके पास है, बस हमें ज़रूरत किसकी है, प्रैक्टिस की। तो हमारा उद्देश्य ये है कि आपको क्या है इकाई के तौर पर एक एक इकाई करके क्या है आपको प्रैक्टिस कराई जाए। तो जो हमारी जितनी भी क्लासेस होंगी, तो हर क्लास में आपको 15 क्वेश्चन डेली बेसिस पे देखने को मिलेंगे, जिसमें प्रत्येक इकाई की क्या है प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो आज जो हमने इकाई उठाई है, तो सबसे पहले हमने अपनी इकाई उठाई है काव्यशास्त्र को, ठीक है। तो काव्यशास्त्र जो इकाई है उसमें क्या है, हम आज किसकी चर्चा करेंगे, भारतीय काव्यशास्त्र में रस संप्रदाय से संबंधित क्या है आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी रस संप्रदाय से संबंधित आपको और भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो अगली क्लास आएगी उसमें आपको रस संप्रदाय से संबंधित और क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए इसमें हम एक ही टॉपिक को दो बार क्यों करा रहे हैं, क्योंकि देखिए रस संप्रदाय काफ़ी बड़ा संप्रदाय है, ठीक है। देखने पर ये लगता है हमें दो तीन नाम याद करने हैं, लेकिन देखिए जब पैटर्न देखते हैं हम, चाहे हम UGC नेट का देख लें, चाहे हम अदर किसी भी स्टेट का आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का पैटर्न देख लें एग्ज़ाम का, तो देखिए अब क्या है प्रवर्तक पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है, प्रवर्तक पूछे नहीं जाते हैं, ये सब चीज़ें पुरानी हो गई हैं। अब ये कथन पूछे जाते हैं कि आपके भरत मुनि ने कौन सा कथन कह दिया, मम्मट ने कौन सा कथन कहा है, अभिनव गुप्त ने क्या कहा है, भट्ट लोलट ने क्या कहा है, ठीक है, भट्ट लोलट ने रस निष्पत्ति में किस चीज़ को महत्ता प्रदान की है, वहीं आपके जो अभिनव गुप्त हैं उन्होंने रस संप्रदाय में ऐसी कौन सी चीज़ को विशेष माना है, तो ये सारी चीज़ें। तो कथनों पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, अगर पैटर्न को हम देखें तो हमारा उद्देश्य यही है कि आपको कथन से ज़्यादा कराए जाएं, ठीक है। तो आज की जो क्लास है उसमें हम रस संप्रदाय से संबंधित जिन जिन विद्वानों ने महत्वपूर्ण बिंदु कहे हैं, जो जो कथन कहे हैं, उसे संबंध में क्या है ये क्लास होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो पहला क्वेश्चन हमारा आ रहा है कि रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता कौन है, रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता कौन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो देखिए पहले आपके हैं भट्ट लोलट, दूसरे हैं आपके भरत मुनि, तीसरे आपके शंकुक और चौथे आपके भट्टनायक। अब देखिए आप जब ये चीज़ देख रहे हैं, जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें अच्छे से पता है कि रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता कौन है। तो देखिए यहाँ पर क्या चीज़ है, रस के आगे निरूपण लग गया है। अगर मैं यहाँ पर लिख देती कि रस संप्रदाय के प्रथम व्याख्याता कौन है, तो आप आसानी से बता देते, लेकिन निरूपण लगने से क्या है आपको डाउट होगा, क्योंकि जो ये चारों आचार्य हैं वो रस निष्पत्ति, ठीक है, रस संप्रदाय के महत्वपूर्ण आचार्य हैं, इन्होंने अपनी भूमिका रस संप्रदाय में निभाई है। लेकिन देखिए इसमें क्या चीज़ पूछी जा रही है, अगर बात करें चाहे आपका रस निरूपण हो रस संप्रदाय हो, अगर प्रथम व्याख्याता की बात आएगी तो आप किसे कहेंगे, भरत मुनि को। तो रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता कौन है आपके, भरत मुनि, ठीक है। इन्होंने अपने जो इनकी पुस्तक है नाट्यशास्त्र उसमें क्या है रस का क्या है विवेचन किया है, इसीलिए क्या है इन्हें रस निरूपण का प्रथम व्याख्याता कहते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और दूसरी चीज़ देखिए, क्वेश्चन एक ये पूछा गया था कि भारतीय काव्यशास्त्र में सबसे पुराना संप्रदाय कौन सा है। तो जैसा कि आपको विद्वान पता है, जैसे भरत मुनि हैं, भामा हैं, बामन हैं, उद्भट है ना, तो अगर इन लोगों को आपको टाइम पीरियड पता है कि कौन कौन से टाइम पीरियड के हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि आपका कौन सा संप्रदाय बहुत पुराना है। तो बात करें भरत मुनि की, तो भरत मुनि का जो टाइम पीरियड है वो कौन सा है, ये दूसरी सती के क्या है विद्वान रहे हैं,
ठीक है। तो रस संप्रदाय की उत्पत्ति भी क्या है, दूसरी सती के उसमें मानी जाती है। ठीक, तो आपका जो जो पुराना संप्रदाय होगा वो कौन होगा, आपका रस संप्रदाय। ठीक है, देखिए अब बात करें, अब सीधे पूछा भी आता है कि अलंकार संप्रदाय क्यों नहीं हो सकता, तो अलंकार संप्रदाय की जब हम बात करेंगे तो देखिए भामा जो हैं आपके, भामा जो हैं वो कब के हैं आपके, छठी सती के, ठीक है, छठी शताब्दी के हैं। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए कि जब भामा छठी शताब्दी के हैं तो अलंकार संप्रदाय बाद में आया है। तो आपका सबसे पुराना संप्रदाय रस संप्रदाय है, रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता या संप्रदाय के प्रमुख प्रथम आचार्य या प्रवर्तक कौन है, आपके भरत मुनि हैं। नाट्य शास्त्र इनकी कृति है, आपको रचनाएं भी क्या है याद रखनी है। ठीक है, सरल क्वेश्चन है, बस देखिए कभी कभी क्या होता है हम जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत कराते हैं या हमें डाउट होने लगता है, कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो सरल क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या है एक एक टॉपिक को ढंग से पढ़ना है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो भरत मुनि ने यानी कि भरत ने कितने रसों का वर्णन नाट्य शास्त्र में किया है, भरत यानी कि भरत मुनि इन्होंने कितने रसों का वर्णन नाट्य शास्त्र में किया है। अब देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो भरत मुनि ने कितने रसों का वर्णन किया है, 7, 8, 9, 10। तो कितने रसों का वर्णन किया है इन्होंने, 8 रसों का वर्णन किया है, ये आपको आपको याद रखना है। ठीक है, 8 रसों का इन्होंने वर्णन किया है, और जब 8 रसों का वर्णन किया तो 8 स्थाई भाव भी होंगे, है ना, तो ये सारी चीज़ें क्या है आपको याद रखनी है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब भरत ने अपने रस विवेचन में किस रस को स्थान नहीं दिया है, भरत मुनि ने अपने रस विवेचन में किस रस को स्थान नहीं दिया। अब देखिए इन्होंने संख्या बताई है रस की कितनी है, 8। अब इन्होंने जो अपना रस विवेचन जब किया तो इन्होंने किस रस को क्या है स्थान नहीं दिया है, तो वो यहाँ पर आपको बताना है, वीर रस, श्रृंगार रस, विवत्स रस या शांत रस। तो देखिए जिन्होंने भरत मुनि को पढ़ा होगा, भरत मुनि के रस विवेचन को मोटे तौर पर देखा होगा, तो आपको सीधे से पता चल रहा है कि भरत मुनि ने 8 रस माने थे। ठीक है, 8 रस आपको याद है ढंग से। ठीक है, लेकिन 8 रसों में भी क्या है, 4 रसों को क्या है, 4 रसों को क्या है महत्वपूर्ण माना, महत्वपूर्ण माना, जिसमें आपका कौन है, पहले आपका श्रृंगार है, श्रृंगार रस है, ठीक है, दूसरा आपका वीर रस है, ठीक है, तीसरा आपका रौद्र रस है, ठीक है, चौथा आपका कौन सा है, आपका विभत्स रस। ठीक है, तो आप देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा नहीं दिया है। तो देखिए इसमें वीर दिया है, श्रृंगार दिया है, ठीक है, विभत्स दिया है, तो ये तो मैन होंगे ही, लेकिन क्या है शांत रस, शांत रस की क्या है इन्होंने कल्पना नहीं की है, कल्पना इन द सेंस इन्होंने शांत रस का विवेचन अपने रस सिद्धांत या संप्रदाय में नहीं किया है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, डी। देखिए सरल क्वेश्चन है लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, पूछा गया है। दूसरा ये है जब हम क्या होता है रस 8 रस हैं, कभी कभी क्या होता है मिक्स हो जाते हैं तो हमें लगता है विवत्स हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर हम ध्यान से रस विवेचन को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी है कि कौन से रसों को इन्होंने मेन माना, 4 रस मेन माने इन्होंने, श्रृंगार रस, वीर रस, ठीक है, आपका विवत्स रस हो गया, रौद्र रस हो गया, और भरत मुनि का कहना ये है कि इन चारों रसों के आधार पर ही क्या है अन्य रसों की उत्पत्ति होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर क्वेश्चन बदल दिया जाए, पूछ लिया जाए कि भरत मुनि ने कौन से 4 रसों को महत्वपूर्ण माना है, अब आपको क्या है एक अलग से दे दिया जाए, जैसे मैंने यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ठीक है, अब आप जब आपको 4 याद ही नहीं होंगे तो आप उसमें से एक अलग कैसे छांटेंगे, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ पे आपको आंसर पता चल गया, ठीक है, तो इसमें किसकी कल्पना नहीं की इन्होंने रस विवेचन में, शांत रस के। अब चलते हैं आगे, किस विद्वान ने रस को अलंकार न मानकर अलंकार स्वीकार किया है, ठीक है, और इन्होंने क्या है विवाह को ही रस माना है, तो ये कथन किसका है, मतलब कि किस विद्वान ने क्या है रस को अलंकार स्वीकार किया, अलंकार रे नहीं, ठीक है, और विवाह को इन्होंने रस माना है, तो कौन से विद्वान है वो, भरत मुनि, भरत मुनि, संकुक, दंडी या भामा। तो देखिए एक ट्रिक है, सीधी सीधी बात है, जहाँ अलंकार की बात आएगी तो आप अलंकारवादी आचार्यों को देख लीजिए,
ठीक है। अगर आपने अलंकार संप्रदाय को पढ़ा होगा, अलंकार संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं उनके विषय में पढ़ा होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि जो भामा हैं उन्होंने रस को अलंकार ना मानकर अलंकार स्वीकार किया है, ठीक है। तो ये कथन किसका हुआ? आपका भामा का, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखिए, किस आचार्य ने रस को अलंकार की दासता से मुक्ति प्रदान की? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस आचार्य ने रस को अलंकार की दासता से मुक्ति प्रदान की? भरत मुनि ने, भामा ने, बामन ने या रुद्रट ने? तो देखिए, जब क्या क्या होता है, जब हम कभी हमें आंसर पता नहीं होता है तो हम सोचते हैं कि अगर संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि हैं तो भरत मुनि ही हो सकते हैं, ठीक है। यही तो अनुमान लगा सकते हैं कि जो विद्वान जिस संप्रदाय से अपना संबंध रखता है तो कहीं ना कहीं इसने ही ये कथन कहा होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपके रुद्रट हैं, उन्होंने क्या है, रस को अलंकार की दासता से मुक्ति प्रदान की। जो अलंकारवादी आचार्य थे वो क्या था कि रस को क्या है, एक अलंकार के रूप में ही देखते थे। लेकिन जब रुद्रट ने क्या अपनी मत को रखा तो उन्होंने सिद्ध कर दिया कि रस कोई अलंकार नहीं है, इसका एक अपना अलग वर्चस्व है। तो ये सारी चीज़, तो रुद्रट ने रस को अलंकार की दासता से क्या है, मुक्ति प्रदान की, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए, किसने श्रृंगार रस के अंतर्गत नायक नायिका भेद को निरूपित कर रस विवेचन के इतिहास को नई दिशा दिखाई? यानी कि जो श्रृंगार रस था उसके अंतर्गत किसने नायक नायिका के भेद को निरूपित किया और श्रृंगार रस के विवेचन को एक नई दिशा दिखाई? तो यहाँ पर देखिए, किसने किया है, ये आपके रुद्रट ने, ठीक है। देखिए, भरत मुनि ने रस संप्रदाय को दे दिया, ठीक है। उन्होंने रस को भी बता दिया कि आपके 8 रस होते हैं, जिसमें आपके श्रृंगार रस हो गया, वीर रस हो गया, हास्य रस हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन जब रुद्रट आए उन्होंने क्या कहा कि श्रृंगार रस के अंतर्गत इन्होंने नायक नायिका के वेद को निरूपित किया, ठीक है। तो इन्होंने ही सर्वप्रथम क्या है, नायिका भेद, नायक नायिका वेद को निरूपित कर रस विवेचन के इतिहास को क्या है, नई दिशा दिखाई। तो कौन हो गए आपके? रुद्रट, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रस से ही भावों की उत्पत्ति होती है। कथन देखिए, ध्यान से सुनेंगे, रस से ही भावों की उत्पत्ति होती है, इस मत की स्थापना किस विद्वान ने की? तो जगन्नाथ ने, रुद्रट ने, भोज ने या भरत मुनि ने? आपको ये चीज बतानी है, ठीक है। तो इसमें देखिए, रस से ही भावों की उत्पत्ति होती है, इस मत की स्थापना किसने की? आपके विद्वान आचार्य भोजराज ने, ठीक है। जब आप भोजराज को पढ़ोगे ढंग से, उनके कथनों को देखोगे, तो आप ये चीज़ अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। तो देखिए, रस संप्रदाय में मैंने आपको फिर से वही बात कह रही हूँ। देखिए, रस संप्रदाय क्या है, काफ़ी बड़ा है, विद्वानों ने अपने अपने अलग अलग मत दिए हैं, ठीक है। तब पर देखिए, कभी क्या होता है, किताबों में थोड़ा बहुत ही दे देते हैं, जैसे रस संप्रदाय के बारे में थोड़े विद्वान दे दिए, ठीक है, एक दो कथन दे दिया जो मेन हैं, वो संप्रदाय संबंध रखते हैं, दूसरा फिर अलंकार संप्रदाय में भाई किया। लेकिन देखिए, जब पेपर में पूछा जाता है तो हमें ये लगता है चीज़ें बाहर से आ रही हैं, बाहर से नहीं आ रही हैं, वो आपके सिलेबस से ही रही हैं। बस ये है कि जो पेपर का जो पैटर्न है वो बदल गया, अब कथन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपको पकड़नी है, तो वही चीज़ों को हमने यहाँ पर पकड़ा है, उस चीज़ को यहाँ पर रख रहे हैं। तो इससे क्या है, एक तो आपकी जो है प्रैक्टिस होती रहेगी और कुछ नया सीखने को भी मिलेगा आपको, है ना। तो ये सारी चीज़ें। चलते हैं आगे। अब देखिए, भोज ने रस की संख्या कितनी मानी? अब आपने के भरत मुनि ने तो 8 मानी है, दंडी ने भी 8 मानी है, लेकिन भोजराज ने रस की संख्या कितनी मानी? 8 मानी, 9 मानी, 6 मानी या 12? तो देखिए, भोजराज ने रस की संख्या कितनी मानी है? 12, ठीक है। चलते हैं आगे। वाक्यम रसात्मकम काव्यम यह कथन किसने कहा है? देखिए, ये कथन तो देखिए आपको UGC नेट में कई बार पूछा गया है, ठीक है। साथ ही जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे आपका MP का एग्ज़ाम हो, चाहे RPSC का एग्ज़ाम हो, ठीक है, तो उसमें ये चीज़ें पूछी गई हैं। तो आपको ये आसानी से पता हो गया होगा कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम कथन किसका है? आपके विश्वनाथ का, ठीक है। किसका है? विश्वनाथ का। चलते हैं आगे।
अहंकार को रस का मूल किसने माना है? महत्वपूर्ण, अहंकार को रस का मूल किसने माना है? तो किस विद्वान ने अहंकार को रस का मूल माना है? भानुदत्त, जगन्नाथ, भोजराज, थनिंग। तो किसने माना है? भोजराज ने। ठीक है, चलते हैं आगे। साहित्य का चरम मान रस ही है, साहित्य का चरम मान रस ही है, यह कथन किसने कहा? नगेंद्र ने, रूप गोस्वामी ने, रामचंद्र शुक्ल ने या बाबू गुलाब राय ने? तो देखिए, साहित्य का चरम मान रस ही है, तो ये किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। ठीक है, चलते हैं आगे। किस विद्वान ने भक्ति रस को सर्वश्रेष्ठ माना? अब देखिए, किस विद्वान ने क्या है भक्ति रस को क्या है सभी रसों में महत्वपूर्ण माना है? आपके रूप गोस्वामी में, शारदा तने ने, भानुदत्त ने या उद्भट्ट ने? तो किसने माना है? रूप गोस्वामी ने। इन्होंने इसी रस से ओतप्रोत क्या है उज्ज्वल नीलमणि की क्या है रचना की है। आपको इनकी रचनाएं भी याद रखनी है। ठीक है, चलते हैं आगे। रसमंजरी, रस तरंगणी नामक शास्त्रीय ग्रंथों के रचनाकार हैं कौन है? भानुदत्त, विश्वनाथ, कुंतक, महिमभट्ट। तो देखिए, इसमें कौन है? देखिए, भानुदत्त आएंगे या विश्वनाथ या कुंतक या महिमभट्ट। तो देखिए, भानुदत्त ने क्या है रसमंजरी और रस तरंगणी नामक क्या है दो रस शास्त्रीय ग्रंथों की रचना की, जिसमें इन्होंने क्या है रस की विभिन्न जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं है ना उनको लिखा, इसके साथ साथ जो उनका मत है उनको दर्शाया। तो ये सारी चीजें, चलते हैं आगे। अगला कथन आ रहा है कि अंतकरण की वृत्ति का आनंदमय हो जाना या चैतन्य के आवरण का निरावृत हो जाना ही रस है। कथन ध्यान से पढ़ेंगे, अंतकरण की वृत्ति का आनंदमय हो जाना या चैतन्य के आवरण का निरावृत हो जाना ही रस है। यह कथन किसका है? जगन्नाथ का या विश्वनाथ का? रुद्रट का या भरत मुनि का? तो देखिए, जब हम बात करें कि अंतकरण की वृत्ति में आनंद का होना, तो इसका संबंध किससे है? तो ये किसने कहा है? आपके जगन्नाथ। जगन्नाथ का मत क्या है कि पंडित जगन्नाथ का मत यह है कि अंतकरण की वृत्ति का आनंद में हो जाना या चैतन्य के आवरण का निरावृत हो जाना ही क्या कहलाता है? आपका रस कहलाता है। तो देखिए, रस से संबंधित जो जो कथन है वो आपको ध्यान से पढ़ने हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी हमें खुद पर यकीन नहीं होता, हमें ये लगता है कि ये कथन तो या तो विश्वनाथ ने कहा होगा या भरत मुनि ने, इन दोनों में से कोई कह ही नहीं सकता, क्योंकि मिले जुले मत रहते हैं, लेकिन होता इसका बिल्कुल अपोजिट है। अगर हम किसी अदर विद्वान को नहीं पढ़ते हैं, छोड़ जाते हैं, उनकी कथनों को नहीं देखते हैं, तो क्वेश्चन वहीं से ज़्यादा लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो किसने कहा है? जगन्नाथ ने। अगला क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है कि किस आचार्य ने रस को काव्य का सकल प्रयोजन मूलीभूत के रूप में स्वीकार किया? किसने किया है? मम्मट ने, दंडी ने, भानुदत्त ने, भरत मुनि ने? तो देखिए, किसने करा है? आपके मम्मट ने। ठीक है, इन्होंने क्या है रस को काव्य का सकल प्रयोजन के रूप में क्या है स्वीकार किया है। तो आज की क्लास में देखिए, आपको यहाँ पर रस संप्रदाय संबंधित क्या है 15 क्वेश्चन कराए हैं। इनका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। ज़्यादातर हमने क्या है कथनों को ही लिया है, और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं है ना वो सारी चीज़ें यहाँ पर ली हैं। कल की क्लास में भी क्या है, हम रस संप्रदाय से संबंधित ही आपको क्या है कथन और जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको यहाँ पर लाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपको अगली क्लास में ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।